अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ वर्क। टुडे वी विल डिस्कस शेप क्यूबॉइड। हमने कल भी क्यूबॉइड शेप के बारे में पढ़ा था, आज हम उसमें कलरिंग करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शेप क्यूबॉइड विच करें दिस पर्पज? जी, ये स्टोरी लिखी हुई है छोटी सी, हम इसको स्टोरी को पढ़ते हैं। एहसन एंड अली वर प्लेइंग विद द मैच बॉक्स। एहसन और अली जो थे वो माचिस की डिबिया के साथ खेल रहे थे। मदर केम, उनकी मामा आई एंड टोल्ड देम, उन्हें बताया दैट इज़ वेरी डेंजरस, कि ये बहुत ख़तरनाक है। चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले विथ थिंग्स, कि बच्चों इन चीज़ों के साथ नहीं खेलते, लाइक मैच बॉक्स विच कैन हार्म देम, कि जो मैच बॉक्स है ये गर्म अगर जल जाए तो आपका हाथ जल सकता है। कैन यू गेस द थिंग्स डैट यू शुड नॉट टच, टेल योर टीचर, कि आप लोग इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं कि जिन पर मतलब आप टच करेंगे तो ये डेंजरस है। जी, ये क्या है? स्विच बोर्ड है, अगर आप इसको हाथ लगाएंगे, अगर ये ऑन होगा तो आपको करंट लग सकता है। जी, ये क्या है? फायर, आग, आग के अंदर भी हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ये क्या है? आयरन, इस्त्री, अगर ये ऑन होगी तो इसको आप हाथ लगाएंगे, हाथ भी जल सकता है, इससे करंट भी लग सकता है। तो क्या है, ये तीनों चीज़ें क्या है? डेंजरस हैं, तो इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शेप क्यूबॉइड विच कलर इन दिस पर्पल? ऐसे आप लोगों ने इसमें कलर करना है नीट एंड क्लीन और मुझे सेंड कर देना है। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि द स्काई एट डे टाइम, कि दिन में जो आसमान पर चीज़ें हमें नज़र आती हैं। जी, कल मैंने इसमें कलर नहीं किए थे, आज मैंने इसमें कलर किए हैं, आप लोगों ने इसी तरह कलर करके मुझे सेंड करने हैं। व्हाट इज़ दिस रेनबो? मैंने आपको बताया था रेनबो किस टाइम बनती है। रेनबो इस टाइम बनती है जब बारिश ख़त्म होती है, कहीं कहीं बादल होते हैं और सूरज निकल आता है तो रेनबो बन जाती है। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7। हाउ मैनी कलर इन रेनबो? 7 कलर्स। जी, कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल। जी, इन्होंने ये रेनबो कम बनाई थी, दो और मैंने बना के उसमें कलर किए हैं, आप लोग भी ऐसे ही करना। जी, ये क्या है? क्लाउड्स। क्लाउड्स में कलर कौन सा होता है? ब्लू। ये क्या है? सन। सन में है येलो कलर, येलो करके मैंने हल्का हल्का ऑरेंज किया है तो वो शेड आ गया है। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह नीट एंड क्लीन कलर करने हैं। व्हाट इज़ दिस एरोप्लेन विच कलर इन दिस? ग्रे। व्हाट इज़ दिस काइट विच कलर इन दिस? ग्रीन एंड ऑरेंज, और ये पीच कलर है। ये आपकी मर्जी है, आप लोग इसको कलरफुल बना सकते हैं, कोई सा भी कलर इसमें कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस बलून्स? जी, विच कलर इन दिस? ऑरेंज एंड रेड, आप कोई सा भी कलर इसमें कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस बर्ड्स? बर्ड्स हैं, बर्ड्स कौन से कलर के हैं? ये ब्राउन कलर है, विच कलर इन दिस? ब्राउन। जी, आप डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं। जी, आप लोगों को समझ आ गई है कि इसमें किस तरह आप लोगों ने कलर करने हैं और ये किस लिए दिन के टाइम भी आसमान पर नज़र आती है हमें सारी चीज़ें। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोशल स्टडी का क्वेश्चन हमने कल क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। नेम सम थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू कीप आर सेल्फ क्लीन। सोप, शैम्पू, नेल क्लिपर, टूथपेस्ट एंड ब्रश, कॉम्ब। साइंस का क्वेश्चन नंबर है 6। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स कैन ईट, ड्रिंक, ग्रो एंड मूव। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स कैन ईट, ड्रिंक, ग्रो एंड मूव। इज इट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नाउ यू आर स्टार्ट योर वर्क।